अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड कंटेंट क्या चीज़ होती है और इसे किस तरह फिक्स किया जा सकता है। तो ये थ्री टाइप्स होती हैं, एक सिक्योर होता है और एक नॉन SSL और एक मिडल में होता है जिसे कहते हैं मिक्स्ड कंटेंट। तो इसको चेक करने के लिए दो टूल्स होते हैं, एक वाइनो पैडलॉक, ये एक स्पेसिफिक पेज को चेक करने के लिए, और एक जिटबिट, ये पूरी वेबसाइट को चेक करने के लिए। तो वाइनो पैडलॉक 100% एक्यूरेट है और इसमें थोड़े इश्यूज़ आए, ये ज़्यादातर जो है सही तरीके से चेक नहीं कर पाता। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसके इश्यूज़ हैं मिक्स्ड कंटेंट के। इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, टेस्ट पेज टेस्ट। तो ये सारे इशू हैं जिनकी वजह से पैडलॉक शो नहीं हो रहा। उसके बाद इसे कोई इशू नहीं फाइंड हुए, ज़्यादातर फाइंड कर लेता है लेकिन कभी कभी इशू इसे बन जाता है, मतलब सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाता। तो आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन का नाम है रियली सिंपल SSL। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। उसके बाद एक्टिवेट SSL। तो 90% टाइम प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये इशू फिक्स हो जाता है। अगर फिर भी ये इशू फिक्स ना हो तो उसका ये तरीका है कि आप एक दफ़ा इसे दोबारा टेस्ट करेंगे। मिक्स्ड कंटेंट की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो CSS फाइल्स होती हैं उनमें HTTP लिंक्स रह जाते हैं जो कि प्लगइन्स भी फिक्स नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें मैनुअली फिक्स करना पड़ता है। तो अगर इसकी CSS फाइल्स को देखें, तो यहाँ से CSS ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल हेडर, यहाँ से पोस्ट की CSS, HTTP कॉलम स्लैश स्लैश, तो टोटल 7 URLs हैं और ये वही URLs हैं जो कि मिक्स्ड कंटेंट के इश्यूज काज कर रहे हैं। तो यहाँ से अब जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, में देखेंगे कि कौन सी इमेजेस हैं। तो ये वाली इमेज है, यहां से ओपन करेंगे इसे। तो एक दफा रीसेलेक्ट भी कर दें, अपडेट। उसके बाद दूसरी पे चलते हैं, एक दफ़ा सबको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। करेंगे अपडेट, अब देखते हैं कितने रह गए।
ये दो रह गए आप सिर्फ। ये सिर्फ एक रह गया, अब देखते हैं ये है कहाँ पे। तो यहाँ पे रह गया इसे। से भी किया इंसर्ट अपडेट। तो अब आप देख सकते हैं कि मिक्स्ड कंटेंट सारा फिक्स हो गया और अब पैडलॉक शो हो रहा है। उसके बाद अब चलते हैं दूसरे पेजिस पे। तो यहाँ पे भी वो इशू, इस तरह करके दूसरे पेजिस को भी ओपन करेंगे। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर, HTTP फाइंड करेंगे। तो ये एक ही है सिर्फ, वही मेरा अकाउंट्स। अब ये देखेंगे कि ये एलिमेंट है कहाँ पर, और ये है एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे भी पैडलॉक अब शो हो रहा है। इसे करते हैं बंद। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर।
तो यहाँ पे पैडला का शो हो रहा है, इसे भी करते हैं बंद। शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं इसे ओपन करके क्यों दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट करने से ये जो HTTP URL है, वो जो हमने न्यू रीडायरेक्ट लगाया है, उसकी वजह से अपडेट हो जाएगा। मैं अब सारे पेजेस को एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए ओपन कर लेते हैं। तो सारे पेजेस पे पैडलॉक शो हो रहा है, मतलब कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, SEO, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।